हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। मैं दिल्ली में मेरे बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और मैं आज जयपुर वापस जाने वाली थी और जो शाहीनबाग में प्रोटेस्ट चल रहा है तो सीए एनआरसी का, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर के देखती हूँ वहाँ पे ये क्यों हो रहा है और उन लोगों से डायरेक्टली बात करती हूँ और उन लोगों के व्यूज जानती हूँ और अखबार में जो आ रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है वगैरह, तो मैं जाकर के देखती हूँ और सब लोगों तक उनकी भी आवाज़ पहुँचाऊँ और मेरे भी मुझे भी जो लगता है कि मैं उनसे पूछूँ। तो मैं वहाँ किसी तरीके से पहुँची थी मेट्रो लेकर के, ऑल्दो सब लोगों ने मुझे मना किया था कि वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे खतरा है, फिर भी मैंने सोचा एक बार जाकर के तो देखा जाए, हो सकता है कि लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी हों। मैं वहाँ पे पहुँची और मेट्रो स्टेशन के थ्रू मैं गई थी, वहाँ पे कुछ लोग मिले थे रास्ता लेकर के, मैं वहाँ पे पहुँच गई और उसके बाद में मैंने वहाँ पे एक कोई ओल्ड इंसान थे और मैंने उनकी परमिशन से उनका मतलब एक वीडियो बनाया, बस उनसे पूछा कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो जो भी बात बोलना चाह रहे थे मैं बस कैप्चर कर रही थी। इसी बीच में वहाँ पे जो भीड़ थी, वो भीड़ ने मॉब ने बिल्कुल मुझे घेर लिया और बोला कि कौन से चैनल से हो। मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और बस मैं आप लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आई हूं। तो मुझसे कार्ड वगैरह पूछने लगे, मैंने उनको कहा कि मेरे पास कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा तुरंत तुरंत ये वीडियो डिलीट कर, जाने नहीं देंगे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इनसे पूछ करके एक से वीडियो बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वीडियो डिलीट नहीं करोगे जाने नहीं देंगे। वो औरतों को बुला लिए, लड़कियों को बुला लिए, वो लड़के सब आकर के मुझे घेर लिए। मुझे लिटरली लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी, मैं जिंदा नहीं पहुंच पाऊंगी घर पे। इनफैक्ट मैंने मेरे घर वालों को किसी को भी नहीं इन्फॉर्म किया था कि मैं वहां जाने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बताऊंगी तो वो लोग मुझे मना करेंगे। मैं किसी तरीके से मतलब इवन कुछ लड़कियां मुझे कहीं और ले जाने लगी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं जानती हूँ रास्ता कहीं और है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लेकिन वो लोग बोलते रहे डिलीट करवाओ वीडियो। और इस बीच के अंदर क्या हुआ कि कोई कहने